नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं जलालपुर में। जो बच्चे अनाथ हैं, जिनके सर पर माँ बाप का साया नहीं है, जिन बच्चों को लगता है कि हमारे पास काश माँ बाप होते तो हम भी खिलौने खरीदते, हमारे भी सपने पूरे होते, हम भी मेला देख सकते, हम भी अपने बचपना जी पाते, लेकिन जिन बच्चों का कोई सहारा नहीं है, तो आज उन बच्चों का सहारा बनकर उभरता हुआ एक एनजीओ है। उस एनजीओ के बारे में आपको बताना चाहते हैं, आई एम होप एनजीओ, एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी। और उनके जो है अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं फैजान मेहदी, और उनके जो संस्थापक हैं अबू तुराब। तो आगे जानने का प्रयास करते हैं कि ये सोसाइटी जो है, ये एनजीओ काम कैसे करती है, जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे अनाथ हैं, उनको लेकर इनकी क्या रणनीति है। सबसे पहले आपका स्वागत है, तो आप बताइए किस तरह से आप अपना वर्क करते हैं सर जी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप आए और हमारी संस्था में इन बच्चों के सर पे हाथ रखा और आपने कुछ अल्फाज इनके लिए कहे, इसके लिए धन्यवाद। और मैं यहां से ये बताना चाहता हूं, ये संस्था लगभग 4 साल पहले हमारे संस्थापक माननीय श्री अबू तुराब जी ने शुरू की थी, और 2 बच्चों से उन्होंने शुरुआत किया था। दो बच्चों से तो जब उनको लगा कि अब हम इन संस्था को रजिस्टर करवा लें, अब एक विस्तार पूर्वक हम काम करें, तो तकरीबन कानूनी तौर पर जी डेढ़ होता है, आदमी अपने मन से ही दान देता है, पुण्य करता है। जी जब हमारे पास 46 बच्चे हो गए, फिर हमारे संस्थापक अबू तुराब जी ने इस संस्था को रजिस्टर्ड किया, और रजिस्टर्ड करने के बाद अब उसको इस काम को करते हुए में 1.5 साल हो गए हैं तकरीबन। और अभी हमारा चार्टेड अकाउंटेंट से ऑडिट हुआ है, जिसमें हमने 15 लाख रुपए खर्च किए इन बच्चों के ऊपर। अब बाकी आप सब कुछ देख सकते हैं कि हमारी संस्था में हर बच्चे को 2-2 हज़ार रुपये महीने दिया जाता है। हर बच्चे को 2-2 हज़ार महीने। जी मतलब एक वेतन के हिसाब से, एक वेतन के हिसाब से दिया जा रहा है हर महीने। और ये काम को हम यहीं पर नहीं रोकना चाहते, हमारी सरकार से आपके माध्यम से थोड़ी सी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हमारे इस काम में थोड़ी सी वो अगर हेल्प कर दें। हमारे पास FCRA अकाउंट्स भी है, लेकिन हमारा जो एक प्रायर परमिशन होता है गृह मंत्रालय के जरिए से, उसमें तकरीबन हमने अप्लाई कर रखा है, 1.5 महीने हो चुके हैं, वो हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है। अगर वो हो जाता है तो हम पता नहीं कितने ऐसे काम कर सकते हैं यहाँ पे, जिसको आप देखेंगे आपको भी प्राउड फील होगा कि एक संस्था ने किस तरीके से किया हुआ है काम। हमारे साथ 2 डायलिसिस पेशेंट भी जुड़े हुए हैं, जिनको हर महीने 5-5 हज़ार रुपये महीने दिया जा रहा है डायलिसिस के लिए। अबू तुराब साहब का ये मानना है कि अगर हमारे बीच में एक डायलिसिस सेंटर ओपन हो जाए, तो अंबेडकर नगर की धरती के जितने भी पेशेंट हैं, वो हर पेशेंट को वहाँ पे फ्री में डायलिसिस किया जा सकेगा। तो आप बताइए, जो आप ये संस्था है, जी इसमें प्राथमिकता किसको दी जा रही है? जो बच्चे गरीब हैं, जो अनाथ हैं, धर्म जात विशेष को लेकर क्या इसमें रणनीति है? कुछ नहीं, बताइए। हर बच्चे को, किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, वो अनाथ है, जरूरतमंद है, उसका स्वागत है, वो आए, जिस तरीके से भी हम लोगों से हो पड़ेगा, हम उनके साथ खड़े हैं। हमारी पूरी संस्था, हमारी टीम, अबू तुराब साहब, मैं और जितने भी हमारी संस्था के वर्कर हैं, सब उनके साथ खड़े हैं। सबसे एक बेहतरीन सवाल पूछना चाहता हूँ, हर संस्था वर्क करती है जी, तो हर कोई जानना चाहता है संस्था में आपके यहाँ पैसा कैसे आता है, अगर हम जानने की प्रयास। संस्था हमारे पास, ये हमने जब शुरुआत किया था अभी 1.5 साल पहले, तो मैंने और अबू तुराब भाई ने और 1-2 लोग थे, कुवैत में हम लोग रहते हैं, वहाँ पे वर्क करते हैं, तो हम लोगों ने कुछ फंड इकट्ठा किया, क्योंकि सबसे पहले हमने एनजीओ के बारे में जाना कि किस, अगर हमें गवर्नमेंट से कुछ लाभ लेना है, कुछ हमें एक्सप्लेन करना है, बताना है, तो इसका क्या वर्क है। तो हमें पता चला कि हर साल अगर आप 12 लाख रुपए खर्च करेंगे, और आपको ये 3 साल तक वर्क करना पड़ेगा, जब आप इस तरीके से वर्क करेंगे, तब जा कर के आपकी आवाज़ को गवर्नमेंट सुनेगी, बात आपकी पहुँचेगी वहाँ तक। तो मैंने, अबू तुराब ने और 2-4 लोगों ने मिल करके कुछ पैसा इकट्ठा करके कुवैत के अंदर हमने एक बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जहाँ से, जब से हमने उस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट किया है, तब से वहाँ से हमें इतना पैसा मिल जाता है कि ये 46 अनाथ बच्चों का और 2 डायलिसिस पेशेंट का, उनसे हर महीने 2-2 हज़ार रुपये भी दिया जा रहा है, 5 हज़ार रुपये डायलिसिस पेशेंट को। मान लीजिए बच्चों की संख्या अगर दिन ब दिन बढ़ती जाती है, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए भी हम अभी मेजर वर्क हमारा तैयार हो रहा है, रोड मैप, कि किस तरीके से हम उस पर वर्क करेंगे।
आने हमारे पास एप्लीकेशन भी आ रही है बच्चों की, आप देखेंगे कि एक दो महीने के अंदर हमारे पास जो ये 46 संख्या है ये बढ़ेगी। उसके लिए हमने इसी तरीके से हमने कुछ और लोगों को जोड़ रखा है जो हमारे एक उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा सा और कोऑपरेट करेंगे ताकि उससे थोड़ी सी प्रॉफिट और हो जाए ताकि इन बच्चों का लालन पोषण आराम से चल सके। आप ये जान लीजिए ये बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसकी जो प्रॉफिट है वो चैरिटी ही में खर्च किया जा रहा है, ये हम लोग अपने ऊपर नहीं खर्च करते। तो आइए यहाँ पे मौके पर दो बच्चे मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो बेटा क्या नाम है आपका? मियान अब्बास। तो आपके मम्मी पापा हैं? नहीं। कम उनके मरे कितना दिन हो गया? 5 साल। 5 साल। ये संस्था आपको कितने रुपए देती है? 2000। 2000 कब देती है? महीने में। महीने का 2000। 2000 रुपए का क्या करते हैं आप? पढ़ाई। पढ़ाई करते हैं। और कुछ नहीं खरीदते हैं कि नहीं? उससे किताब वगैरह? किताब विताब खरीदते। कुछ खिलौने भी खरीदते होंगे? खेलने कूदने की उम्र है आपकी? नहीं, खिलौने नहीं खरीदते। खिलौने नहीं खरीदते, केवल पढ़ाई का ही काम करते हैं। तो इसके अलावा आपको इस टीम से क्या सहायता मिलती है? कपड़े भी मिलते हैं आपको कुछ? हाँ, कपड़े मिलते हैं। मिलता है। तो क्या नाम बेटा आपका? जीशान हैदर। बताइए कितने दिन से आप इस टीम से जुड़े हुए हैं? 1.5 साल। 1.5 साल से जुड़े हैं। कितना रुपया आपको मिलता है महीने का? 2000 रुपये। करते क्या हैं आप? पढ़ाई में। केवल पढ़ाई ही करते हैं? और भाई बहन है कुछ? हाँ है। वो लोग क्या करते हैं? मतलब सब लोग छोटे हैं। और छोटे हैं? हाँ। अच्छा, तो मम्मी पापा का क्या हुआ था? वो इस दुनिया में नहीं है। उनको कैंसर हुआ था। कैंसर। देखिए दोस्तों, हम इस बच्चे से आपको मिलवा रहे हैं, इनके माँ बाप अब दुनिया में नहीं है। बताइए ये बच्चा अकेला किसके सहारे जिएगा? जिन बच्चों का कोई नहीं है उन बच्चों का एक सोसाइटी आई एम होप एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी आगे आ रही है, इनका सहयोग कर रही है। बताइए आपके जो माता पिता को कैंसर हुआ था बता रहे हैं आप, तो 2000 रुपये महीने मिल रहे हैं, इसमें आपका पूरा खर्चा हो जाता है? कम तो नहीं पड़ता? नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, आपने काम किया है, ताली बजाइए एक बार इन लोगों के लिए। तो आप कब तक इस अपने काम को जारी रखेंगे? ये हमारा लक्ष्य है कि ये बच्चे उस लायक हो जाएं। हमारा लक्ष्य है कि हमारी इस टीम से अगर कोई कुछ बच्चे अगर डॉक्टर या इंजीनियर या किसी भी अच्छी पोस्ट पर पहुंच जा रहे हैं तब ये जान लीजिए कि हमारा जो मिशन है वो पूरा होगा। हम यही चाहते हैं कि आज ये ले रहे हैं कल देने वाले बने। कल अगर ये वीडियो से कोई देखकर कमेंट करता है बताता है हमको भी ज़रूरत है तो क्या सहयोग करेंगे आप? जी बिल्कुल, वो आए हमारे पास, हम उनके बारे में जानेंगे, वो अपने बारे में बताइए, अगर उनकी ज़रूरत होगी उनके ऊपर जिस तरीके से भी बन पड़ेगा हमारी टीम उनके साथ खड़ी होगी। तो बेटा कल को आप बड़े होकर डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, इसको भूल तो नहीं जाओगे ना? नहीं। क्या करोगे बड़े होकर? जब बड़े होकर यही करेंगे। यही करोगे? ये तो नहीं करोगे ना, डॉक्टर बन गए इंजीनियर बन गए तो भूल जाएंगे संस्था को? क्या करोगे बड़े होकर? यही करेंगे। और सहयोग करेंगे? यस। कितना सहयोग करेंगे? इतना हो पाएगा। बिल्कुल, ऐसे ही बच्चे जो है राष्ट्र के लिए बहुत ही हितकारी होते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम हमेशा समाज हित के लिए आवाज़ उठाते हैं, जमीनी स्तर जो काम धरातल पे होता है उसको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। गवर्नमेंट जो चलाती है अपनी योजनाएँ शायद इस धरातल पे नहीं पहुँच पाती, इन बच्चों के पास पहुँच नहीं पाती, लेकिन ऐसे युवा, ऐसे हमारे राष्ट्र के युवा जो हैं ऐसे एनजीओ चलाकर कहीं ना कहीं वाकई एक संदेश देना चाहते हैं ऐसे युवा को जो घूमते हैं जो किसी की भी सेवा नहीं करते हैं। दोस्तों मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।